हमारी रेसिपी देखने के लिए आपने वीडियो को तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ले लिए हैं बिल्कुल ताज़ी भिंडी। तो भिंडी की आज आप लोगों को भिंडी की रेसिपी शेयर करते हैं। सब भिंडी तो आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने तरीके से आप लोगों को भिंडी की सब्जी बनाकर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी भिंडी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूला करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ही खुशी मिलती है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को मेरे फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भिंडी को जो है हम कट कर लेते हैं। तो भिंडी को जो हम कट करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करेंगे। ये आप साइज देख सकती हैं, इतने बड़े बड़े साइज में भिंडी को हमें कट करना है। जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ना सब्जी, उसकी उसमें भिंडी का साइज इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा बिल्कुल मत करिएगा लोग आप लोग। तो इसी तरीके से हम सारे भिंडी को काट कर यहाँ पे देखिए तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। और इसका आप देख सकती हैं बिल्कुल ऐसे ही और इतने बड़े बड़े। अगर ये भिंडी थोड़ा सा अगर टाइट भी है तो इसकी सब्जी आप बना सकती हैं, और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होता है। तो इसे रख लेते हैं साइड में, और तब तक हम मसाला निकाल लेते हैं। तो मसाला पीस कर ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ले लिए हैं मिक्सी जार, और अब इसमें डाल देते हैं जीरा। तो यहाँ पे खड़ा हम लिए हैं साबुत जीरा एक चम्मच, एक चम्मच लिए हैं काली मिर्च, ले लिए हैं। और अब यहाँ पर हम ले लेंगे ये लिए हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा काली मिर्च और ले लिए हैं। सारे फ्रेंड्स इसके पहले मैंने एक चम्मच डाला है खड़ा सरसों, काली वाली जो सरसों आती है ना उसे लिए हैं भर के एक चम्मच, आधा चम्मच लिए हैं काली मिर्च, और दो चम्मच लिए हैं खड़ा धनिया, जो साबुत धनिया आता है उसे ले लिए हैं। और यहाँ पे ले लिए हैं लहसुन, तो लहसुन को हम ले लिए हैं। और ये ले लिए हैं 5 से 6 सूखा लाल मिर्च। तो अगर आप तीखा कम खाना पसंद करती हो तो मिर्च उस हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट अनुसार डाल दीजिएगा। तो ये सारे मसाले को हम पीस के रेडी कर लेते हैं। और अब आ गए गैस के पास, तो यहाँ पे हम कर लेंगे गैस को ऑन। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे हम जो है मस्टर्ड ऑयल का ही यूज कर रहे हैं। अगर आप जो है कोई और ऑयल खाना पसंद करती हैं तो उसे भी डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सरसों के तेल में ही ज़्यादा खाते हैं फ्रेंड्स सब्जी, तो इसीलिए सरसों का तेल ही यूज किए हैं। और अब हम जो भिंडी को कट करके रखे हैं भिंडी को डाल देते हैं, और इसे 2 मिनट तक अच्छे से बिल्कुल फ्राई होने देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 मिनट तक या 3 मिनट तक हम करेंगे, जिससे कि बिल्कुल भिंडी बढ़िया से तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए भिंडी हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्राई होकर तैयार हुआ है भिंडी। तो सारे भिंडी को हम निकाल लेंगे, प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे भिंडी को मैंने निकाल लिया। अब वही तेल जो मैंने डाला है ना, उसी तेल में अब हम मसाले को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं हींग। तो हींग बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है कि हींग बहुत फायदेमंद। और एक चम्मच मैंने डाला है मेथी, तो इसकी तड़का पहले दे देंगे मेथी और हींग का। हींग जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब जो मसाला हम पीस के रखे हुए हैं तैयार किए हैं, मसाले को डाल देते हैं। और मसाले को डालने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल दिए, उसमें मसाला लगा था जार में, तो इसी को धुल के बस थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और टेस्ट अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। तो अपने टेस्ट अनुसार आप नमक डाल दीजिएगा। और अब जो है इसे मसाले को हम अच्छे
अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे। मसाला अगर बढ़िया भुना हो ना फ्रेंड्स तो सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए तेल छोड़ दिया है। मसाले का यही पहचान है कि जब अगर आप सब्जी मसाले भून रही हैं तो साइड से तेल छोड़ देता है। तो मसाला मेरा यहाँ रेडी है और जो अब हम भिंडी फ्राई करके रखे हैं भिंडी को डाल देते हैं। तो यहाँ पर भिंडी को डालकर एक मिनट तक हम मसाले में इसे बिल्कुल अच्छे से चला देते हैं। तो ये देखिए भिंडी को बिल्कुल बढ़िया से मसाले में तैयार कर लेते हैं। इसे यहाँ पर आप देख सकती हैं। तो भिंडी को जो है मैंने एक मिनट तक मसाले के साथ भून लिया। अब इसमें हम जो है ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो ये सूखी सब्जी नहीं रहेगी, ग्रेवी वाली सब्जी हम बना रहे हैं। बहुत इसमें पतला पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा ही ग्रेवी रहेगा इसका, पतला नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी को डाल दिया और अब जो है लगभग हम एक कप पानी डाले हैं इसमें, एक गिलास मान कर चलिए डाले हैं। और अब इसे हम लिड लगा के ढक देते हैं पकने के लिए। तो भिंडी तो जल्दी ही पक जाती है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने फ्राई भी किया है और भिंडी हमारा जल्दी पक जाएगा। तो देखिए खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टेस्टी बिल्कुल लग रहा है ना फ्रेंड्स आप लोगों को। ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी है भिंडी की सब्जी। आप लोग फ्रेंड्स एक बार मेरे इस रेसिपी से बना के देखिएगा, सच बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल अंगुलियाँ चाटते और आपकी फैमिली में सभी लोग डिमांड करेंगे कि ऐसे ही भिंडी की सब्जी बनाओ। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर ये तैयार है। तो लीजिए गर्मा गर्म मेरा सब्जी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हम सब्जी को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम रोटी के साथ इसे आप लोगों को सर्व करते हैं। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा टेस्टी ये मेरा सब्जी तैयार हो गया।